हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माइक नो सॉल्यूशंस में। आज मैं दीपाली आपके लिए लेके आई हूँ बी ए एन एस सी का 134 का आपका ये असाइनमेंट रहने वाला है सेशन 24-25। आप बिना किसी देरी के हम अपने असाइनमेंट की ओर बढ़ेंगे। हम असाइनमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारे असाइनमेंट में मार्क्स कम हो जाते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स गेन हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको असाइनमेंट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। कई बार ऐसा होता है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर होता है, कई बार होता है नहीं होता। तो आप ध्यान रखिएगा पर कि अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप गूगल पे जाएंगे, एम असाइनमेंट सर्च करके आपको वहाँ पे कई तरीके के प्रोग्राम दिखेंगे। आपको उस प्रोग्राम में से अपना कोर्स सिलेक्ट करके, जो भी आपका कोर्स रहेगा, उससे फिर अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे आप उससे क्वेश्चंस मैच करेंगे, फिर आप अपना असाइनमेंट लिखना चालू कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे आपको 500 वर्ड लिमिट दिए गए हैं। तो मैं आपको इतना ज़रूर बता दूँ कि कई बार ऐसा होता है वर्ड लिमिट दी गई होती है, कई बार ऐसा होता है वर्ड लिमिट आपको नहीं दी गई होती है। तो जहाँ पे आपको वर्ड लिमिट नहीं दी गई होगी वहाँ पे आपको क्वेश्चंस के मार्क्स दिए गए होंगे, तो आपको मार्क के अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि जितने भी आप आंसर लिखेंगे आप कोशिश करिएगा कि आप उसको पैराग्राफ में ना लिखें। जितना हो सकता है आप जो आंसर है वो पॉइंट वाइज लिखें, साथ साथ आप उसमें निरीक्षक ज़रूर ऐड करें, कंक्लूजन ज़रूर ऐड करें कि जो आपका पूरा आंसर है एक पैराग्राफ में लास्ट में कंक्लूजन में दिखाई दे। साथ ही साथ जो भी आपकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन रहेगी असाइनमेंट की, मैं बता चुकी हूँ जैसे भी आपकी लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट की सबमिशन रहेगी उससे पहले ही आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके रखेंगे ताकि लास्ट मोमेंट में किसी भी तरीके की गलती हो, किसी भी तरीके की अगर आपको करेक्शन करने का महसूस हो रहा है तो वो आप असाइनमेंट में कर दें और लास्ट मोमेंट तक आपको रुकना ना पड़े और किसी भी तरीके की गड़बड़ ना हो आपके असाइनमेंट में। और हम इसमें स्टेशनरी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत ज़रूरी बात आपको बता दूं। अगर आपको इस पीडीएफ का सॉल्व असाइनमेंट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप हमसे ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हमसे हार्ड कॉपी भी परचेज़ कर सकते हैं 100 असाइनमेंट की। यहाँ पे आपको कई तरीके की कैटेगरीज देखने को मिल जाएगी। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी shop.sandridge.in पर जाके आप असाइनमेंट परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको गारंटी दी जाएगी अच्छे से अच्छे आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे, अच्छी क्वालिटी में आपको ये असाइनमेंट दिए जाएंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर नंबर आपको देखने को मिलेगा 9355261428। यहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी के साथ जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपको वर्ड लिमिट्स की बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, आप जितना हो सकता है सिमिलर राइटिंग लिखेंगे और ये चीज़ का ध्यान हम बहुत ज़्यादा रखते हैं। हम आपको सिमिलर हैंड राइटिंग प्रोवाइड कराते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे खुद से भी कर रहे होते हैं लेकिन ना राइटिंग में थोड़ा डिफरेंसेज आता है, उसकी वजह से मार्क की थोड़ी दिक्कत प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस चीज़ की हम दिक्कत ना लेते हुए हम आपको एकदम सिमिलर हैंड राइटिंग प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ हम 100% यूनिकनेस देते हैं, ये आपको कहीं और से नहीं मिलेंगे, ये हमारे यहाँ से आपको दिए जाएंगे ये असाइनमेंट। मतलब हमने यहाँ कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं किया गया होगा। उसी के साथ वापस हम अपने असाइनमेंट की ओर आ जाएंगे, असाइनमेंट की ओर ध्यान देंगे और लिखना शुरू करेंगे आप लोग। जो भी देखिए आपका असाइनमेंट पूरा हो जाएगा ना, आप उसमें फर्स्ट शीट ऑफ इग्नू की जो होती है उसमें अच्छे से सारी डिटेल्स भर के फिल करके ही अपना असाइनमेंट सबमिट कराएंगे।
स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं आपका बी ए एन एस का 134 का ये असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। मैं होप करती हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसी के साथ हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।